कर लेते हैं हम लोग, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंड द हेड ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। दो बिल्डिंग है ठीक है, एक बिल्डिंग बड़ी है एक बिल्डिंग छोटी है ठीक है। इस बिल्डिंग पर से इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और इस बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं। अब जैसे कि हम आई लेवल के नीचे की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, तो इस केस में एंगल ऑफ जब हम टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और जब हम बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री है। तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, मीन्स ये एंगल के बारे में बात हो रही है, ये हो जाएगी 45 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे ठीक है। एक तो ये देखो, ये इसकी हाइट 8 है, ये भी 8 हो गई और इसका हाइट मान लो h है, तो हमें इस टॉल बिल्डिंग की क्या कहते हैं h से हाइट निकाल ली और ये विड्थ हम लोग w मान लेते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे ठीक है। जैसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कैसे दो ट्रायंगल बनेंगे, किस किस टाइप की, ये है h, सॉरी आई एम गोइंग टू चेंज माय कलर, ये हो गई W और ये हाइट कितनी हो जाएगी 8 प्लस h और ये 45 डिग्री। तो यहाँ से एक इक्वेशन है ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, बताता हूँ मैं आपको कैसे। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1045, मीन्स 1045 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 और ये हो जाएगा पी अपन बी 8 प्लस h अपन w, सो 8 प्लस h इक्वल्स टू w ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे हो, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में क्या है, ये पहला इक्वेशन बोल रहे हैं ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये W हो जाएगा, W का W ही रहेगा और ये H, इसको H मान लेते हैं और ये 30, तो यहाँ से 10 30 बराबर क्या हो जाएगा H अपन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपन √3 ठीक है। यहाँ से W की वैल्यू निकल जाएगी H के टर्म में, तो W की वैल्यू हो जाएगी h√3 और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ठीक है। तो देखते हैं पुट करने के बाद क्या होता है, एट प्लस एच इक्वल्स टू वट डब्ल्यू है h√3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी क्या, एच की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन √3 − 1, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो जाएगा आपको 4 × √3 + यह आ गई हाइट हमारी, ये हाइट आ गई ठीक है। और हमें इसकी विड्थ निकालनी है, तो W बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन w क्या होता है 1 अपॉन √3 था ना, तो यहाँ से हम लोग जब h आ गई तो W भी आ ही जाएगी, W बराबर क्या हो जाएगा h√3, मीन्स हाइट को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विड्थ आ